नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल WNN न्यूज पर। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, मकर संक्रांति आ गई है। इस त्योहार को आप अन्नदाता की समृद्धि और धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण पर्व मान सकते हैं। नए साल का पहला महीना यानी जनवरी मकर संक्रांति का पर्व लाता है। ये कई लिहाज से अहम त्योहार है। दक्षिण भारत में पोंगल और पंजाब हरियाणा में लोहड़ी इसी के आसपास आती है। ये वो समय होता है जब खेतों में फसल पकने लगती है और सूर्य नारायण की दिशा उत्तरायण होने लगती है, यानी कड़ाके की सर्दी से राहत का समय शुरू होता है। दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इसे मिठास का त्योहार भी कहा जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू और दूसरी मिठाइयां हर घर में बनती है। तो आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। भारतीयों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में, शहरों और गांवों में वहां की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। मकर संक्रांति त्योहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और चावल और दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान भी की जाती है। वहीं गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात के लोग पतंग उत्सव का आयोजन करते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई जाती है और लोगों को भी खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में लोग गच्चक और तिल के लड्डू खाते हैं, एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं भी देते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम में भोगली बिहू के नाम से पर्व इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाया जाता है। वहीं पंजाब में एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही मकर संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से भी लाभ मिलता है और पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। 14 जनवरी एक ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसीलिए होता है कि सूर्य दक्षिण की बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है, तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना गया है, लेकिन जब वो पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।